विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खिलाफ हुए संपूर्ण लॉकडाउन का 4.0 में पूरे बिहार में देश के विभिन्न इलाकों से हजारों प्रवासी बिहारी हर दिन घर वापस आ रहे हैं। इन प्रवासियों को 15 दिन के लिए गांव से बाहर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में युवाओं के एक समूह ने क्वारंटीन किए गए इन प्रवासियों के खाली समय का एक बेहतरीन इस्तेमाल खोजा है। जी हाँ, टीम प्रियम के सदस्यों ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पपड़ोर ग्राम में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए प्रवासियों में से हर एक को एक एक पौधा वितरित किया है। क्वारंटीन केंद्र में ठहरे सभी लोगों ने इन पौधों को स्कूल के चारों तरफ लगा दिया है। हर व्यक्ति को एक पौधे की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका ध्यान वो तब रखेंगे जब तक वो इस सेंटर में रहेंगे। उनके जाने के बाद जिन लोगों को इस सेंटर में रखा जाएगा वो इन पौधों की देखभाल करेंगे। टीम प्रियम का पर्यावरण हितैषी यह कदम अपने आप में काबिले तारीफ है। आपको मतलब कि ये पर्यावरण बचाने के लिए आप जो ये मुहिम छेड़े हैं, ये आपको ये आइडिया कहाँ से है आपका? ये टीम प्रियम के प्रियम सिंह हैं, उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया कि सर कुछ ऐसा इनोवेटिव किया जाए ताकि जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग आ रहे हैं जी, तो उनका कुछ यादगार यहाँ रह जाए जी। तो मेरे द्वारा किया गया कि राजकीय कृतित्वक्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पपड़ौर में जो क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है और जो प्रवासी मजदूर यहाँ रह रहे हैं उन्हीं के हाथों से पेड़ लगाने का मुहिम चलाया।